तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था उस बंडे के यहाँ पे हमला करने की कोशिश कर लेंगे, उसकी फड़के चार हो जाती है और फट जाती है। कहता है ओके कोई बात नहीं, आपको जो ऊपर सड़क है जो केव है ना, हाँ थोड़ा सा गंदा लग रहा है, मैं साफ सफाई यहाँ पे करने जा रहा हूँ बाय। और सिस्टम लिख के आता है जो बंदा ना चैन, इसका जो नफरत ना हेटरेड वो 4 स्टार यहाँ पे हो चुका है। ये जो इतना ज़्यादा आपसे नफरत यहाँ पे करता है, ये भी सोचता भाई 1 साल टोटल यहाँ पे हो चुका है और 1 साल तक मैंने बस इसको यहाँ पे रखा है। मैंने इसको नहीं टॉर्चर किया, नहीं इसको गाली दिया, नहीं इसको चिल्लाया है, बिल्कुल ना प्यार से बस यहाँ पे रखा। और इसके ऊपर नजर रखने के लिए मैं भी ना केव से यहाँ पे बाहर नहीं गया, अगर बाई चांस में बाहर गया ये भाग गया और बाहर जाने के बाद ना ये सेट में नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो मुझे ना भाई कम से कम जो इसका नफरत है ना भाई जितना है उतना रुक जाएगा, लेकिन 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार यहाँ पे पहुँच चुका है। यानी इतना स्टार पर जाने के बाद ना बंदा भी अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करता, तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करने को तैयार हो जाता है। यानी ये तो औकात से बाहर जा रहा है, वो बंदा सोचता है बस एक बार मुझे मौके मिले यहाँ से भाग जाने का, और ये तभी मौका मिलेगा जब ये बंदा भाई ये केव छोड़ के यहाँ पे बाहर जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अपने कल्टीवेशन कर रहा ना, ऐसा लगता है 100 साल के लिए लगातार यहाँ पे कल्टीवेशन करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक टाइम जब आएगा जब भाई ये निकलेगा, और जैसे वो निकलेगा मैं भी यहाँ से निकल के भाग जाऊंगा और निकल जाए अपने सेट वाले को बताऊंगा, सारे मेरे सेट वाले आएंगे तुम्हारे सेट को बर्बाद करके जो मेरा अपमान हुआ ना 1 साल तक उसका पूरा का पूरा बदला मैं ले लूंगा। लेकिन उतने में पीछे सैनिक हमला करता है, इसके छाते के आर पर मतलब सीधा अटैक करके जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जान निकालते यहाँ पे कहता है भाई 1 साल यहाँ पे हो चुका है, और 1 साल में भाई मैंने तुझे बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे दिया था ओबीडेंट बन के भाई प्यार से मेरे साथ रहने का, लेकिन तेरा जो नफरत है ना भाई बढ़ते जा रहा है तो मेरे अलावा मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था तुझे मारने के लिए। और जैसे मारता ना मारने के बाद एक और इसके दिमाग में आइडिया आता है कि जो भी मेरे नॉवल सब मानो अपने रियलिटी में पढ़े ना, तो उसमें ऐसा था भी कल्टीवेशन वाले मानो उसमें कि जब तुम किसी बंदों के यहाँ पे जान से मारते हो तो मारने के बाद ना उसके पास कोई ना कोई ऐसा तरीका रहता है कि मरने से पहले अपने किसी बड़े कमाल के आदमी के साथ ना कॉन्टेक्ट यहाँ पे कर लेता है, जिसके बाद वो बड़े कमाल का बंदा आता है मेन हीरो के पास उसकी जान निकालने के लिए। और तो मैंने इसको जान से मारा तो पक्का भाई इसको भी मतलब इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई आएगा। और जहाँ तक मुझे याद है तुम छोटे को मारोगे एक बड़ा बंदा आएगा, तुम बड़े को मारोगे तो एक बहुत ही बड़ा बूढ़ा आएगा, और तुम एक बूढ़े को मारेंगे तो भाई उससे भी ज़्यादा बूढ़ा या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे आएगा। तो ये कितना था, ये छोटा था या बड़ा था, देखता हूँ कौन आता है। और तब उसके बॉडी से धीरे 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 बहुत ही खतरनाक दिखने वाला आदमी यहाँ पे प्रकट हो जाता है। ये भी देखता है यार ये तो एक बूढ़ा यहाँ पर आ गया, यानी जिसको मैंने मारा वो बड़ा यहाँ पे था। और सामने से यहाँ पे कहते भी तेरी इतनी हिम्मत भाई, तूने मेरे डिसाइपल के यहाँ पे जान से मारा लगा तेरे पास यहाँ पे हिम्मत है ना, तो बता भाई अपना नाम यहाँ पे बता, तो अपना फेक नेम बता। तो कहता मेरा नाम यहाँ पे काऊ काऊ है, कैसे भाई आपका नाम यहाँ पे क्या है। तो कहता मेरा नाम यहाँ पे जांगी, और जिस बंद को तूने जान से मारा ना वो मेरा यहाँ पे डिसाइपल था, और तेरा नाम काऊ काऊ मैं भूलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। एक टाइम आएगा जिसके वास्ते आके मैं तेरी भी जान निकालूंगा और तेरे सेट को भी यहाँ पे बर्बाद करूंगा। और ये रियल वाला यहाँ पे नहीं है, हाँ ये रियल यहाँ पे वो जांग नहीं है, बस मरते ही ना कुछ इसके बॉडी में लगा हुआ था कि जैसे ये बंदा मरेगा तो उसका ऐसा थोड़ा सा निकलेगा और धमकी देकर निकल जाएगा। हाँ तो धमकी देकर निकल जाएगा, लेकिन जो मेन यहाँ पे जांग है ना रियल बॉडी, उसके पास भी इंफॉर्मेशन चल जाती है। इस तरह सिस्टम में यहाँ पे लिख के आ जाता है कि जो जांग नाम का रियल बंदा ना भाई उसको आपके बारे में मालूम चल चुका है, और उसका जो नफरत यहाँ पर ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 5 स्टार हो चुका है। इसका भी दिमाग खराब कि बाप रे 5 स्टार, आई मीन वाकई में 5 स्टार भाई, अरे यार मम्मी रे कुछ भी ना कुछ करके भाई सबसे पहले सेट में किसी को जाके बताता हूँ और डेड बॉडी को ऐसे दफा दफा करवाता हूँ। उसके बाद से शीश होता है 8 साल बाद ये आराम से अपना कल्टिवेशन कर रहा था, और तब इसकी जो जानू यहाँ पे थी ना भाई निसिनिया नहीं भाई होंग शुआन, वो यहाँ पर आती है आवाज देते देते कि जानू मेरे जानू तुम गाँव वहाँ है मेरे जानू भाई कैसे हैं यार आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। ये भी कह जाता है होंग शुआन अरे 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 तो यहाँ पे क्या करिए, अरे ये जो सीनियर है ना बिना परमिशन के अंदर घुस आती है, फॉर्मेशन लगा हुआ तो भी घुस आती है, और वो तो घुस आती है चलो समझ आता उसने यहाँ पे लगाया था, लेकिन ये यहाँ पे कैसे घुसा भाई, फॉर्मेशन वाकई में फॉर्मेशन है ना या फिर फॉर्मेशन मजाक है यार। वो यहाँ पर आती है और कहती है क्या है कैसे यहाँ पे, कहता हमें तो बढ़िया हूँ तुम्हारा क्या भाई तुम यहाँ पे कहीं को आई हो। ये कहते कुछ भी नहीं बस आपकी याद आ रही थी इसलिए मिलने के लिए आ गई। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, ये पिल की बोतल, ये सारे के सारे पिल मैंने इतने सालों से जमा करके रखा था स्पेशली आपके लिए, लीजिए और कल्टिवेशन यहाँ पे कीजिए। जो सुनता ये भी कहता अच्छा भाई तुम मेरे लिए यहाँ पे पिल आई थी, लेकिन एक काम करो मुझे इसकी जरूरत नहीं है तुम अपने पास वापस रख लो। वो दुखी हो जाती, वो कहती मगर क्यों, ये बताता कि भाई तुम भी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पर जा चुकी हो, इससे तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाले, इससे तुम यूज़ करो तुम अपना कल्टिवेशन करो। वो सैड हो जाती है, अरे यार फ्यूज़ के दिमाग की बत्ती जलती है, उसको समझ आता कि 1 सेकंड ये फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज वालों के लिए काम आता है, कहीं आपका लेवल अब तो नहीं हो चुका और आप गोल्डन कॉल पर जा चुके हो क्या। और हाँ ये जो बात है ना गोल्डन कॉल पर जा चुके हो ये इसलिए किसी को नहीं बताया था, इसलिए किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम, इसलिए कहते यस मेरा वाक्य में यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, इसलिए ये मेरा किसी भी काम का आने वाला नहीं है, ये तुम्हारे काम में आएगा और इसको यहाँ पे अच्छे से यूज़ करो। और देखो भाई मुझे मालूम है तुम मुझसे पसंद करती हो, मुझे यहाँ पे प्यार करती हो, और तुम्हें भी अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा भाई, जो मेरा पावर काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, 100 साल होगा 100 साल के बाद हो सकता है मैं कोई इमॉर्टल यहाँ पे बन जाऊँ, लेकिन तुम अपने ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं करोगे ना जिसके वास्ते तुम्हारा पावर यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सबसे पहली बार तुम प्यार करती हो तो लवर बनने से पहले तुम्हें भाई मेरा अच्छा यहाँ पे ये बनना
पड़ेगा भाई, साथी। हाँ साथी तुम्हें बनना पड़ेगा, और तभी तुम बन पाओगे जब तुम भाई अच्छे से कल्टीवेशन यहाँ पे करोगी। वरना पता चला 100 साल यहाँ पे हो चुके हैं, इमॉर्टल बन गए, तुम आज भी एक नॉर्मल सी कल्टीवेटर यहाँ पे रहेगी। तो जो तुम्हारा प्यार है ना भाई, तुम्हारा प्यार भी मुझे यहाँ पे खाली तकलीफ देगा। मुझे क्या मतलब, मुझसे ज़्यादा भाई वो प्यार तुम्हें यहाँ पे तकलीफ देगा। तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो सुन रही वो हल्का सा मतलब ऐसा साइलेंट हो जाती है, फिर मुस्कुराती हो कहती है ओके ठीक है मैं यहाँ पे समझ गई, तो मैं भी आपके मतलब रुकावट नहीं बनूंगी, अपने कल्टीवेशन पर ही फोकस करूँगी और आपके लिए ढेर सारे यहाँ पे गोल्डन कोर वाले पिल ला के दूँगी। ये भी कहता है मेरी माँ, ये मेरा कहने का मतलब ना था, तुझे कुछ भी देने जरूरत नहीं, तू जाके अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर। और ये कहानी यहाँ पे मानुआ था, इसका एक नॉवल यहाँ पर है, और नॉवल के अंदर कुछ कहानी है जो कि भाई राइटर ने इस मानुआ में नहीं बनाया, और वो कहानी का हमें यहाँ पे बताया जाता है। जब उसने वो चेन को मारा था ना, तो माने तो जब उसका पॉकेट यहाँ पे चेक किया, तब उसको एक स्पेस रिंग मिला जिसमें ढेर सारे टैलिस्मैन थे, ढेर सारे यहाँ पे स्पेस स्टोन थे और ढेर सारे पील थे। उसने सारा का सारा अपने इसमें बेल्ट में रख दिया, एंड देन उसके बाद से 8 साल बाद जैसे इसने कल्टीवेशन किया था, इसका जो ठंडा वाला स्पीचर रूट है ना, वो इसने भाई नॉवल लेवल तक पहुँचा दिया, और जो बाकी सब है ना वो अभी पूरा मैक्स नहीं हुआ है। एंड देन उसके बाद से जैसे आई थी ना हॉन्गशोर मिलने के लिए, हॉन्गशोर मिलकर वापस यहाँ पे चल जाती है, और जैसे जाती है ना इसके दिमाग में एक डाउट आता है कि इसका नाम है हॉन्गशुआन, इसका सरनेम भी शुआन है, और इसकी जो मास्टर है उसका भी सरनेम यहाँ पे शुआंग है, तो क्या इन दोनों के बीच कोई ऐसा कनेक्शन भी है। हाँ इतना कहानी राइटर ने मानुआ में नहीं बनाया, लेकिन नॉवल के अंदर था, तो मैंने भी सोचा भाई आपको बता दूँ। उसके बाद से चेंज होता है फेटिस या फिर नेदर जो कल्टीवेटर सेक्ट है वहाँ पे, जहाँ पे जो भी एल्डर्स लीडर लोग हैं सब इकट्ठा हो चुके हैं, आपस में बातचीत करें कि हाँ भाई कुछ भी हो के भाई हमें बहुत जल्दी जाकर उनके ऊपर हमला करके बर्बाद करना पड़ेगा। उनका जो मेन लीडर है भाई, मेन लीडर अभी तक यहाँ पे गायब है और हमारे हाथ में लगा नहीं, हम हमेशा हमला करें लेकिन साला हमेशा यहाँ पे बचे जा रहा है। लीडर साहब से कहते भाई तुमसे छोटा सा भी काम नहीं हुआ, और लोग कहते हाँ नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, अब क्या करें भाई, लीडर को इग्नोर मारो, एक काम करते हम सीधे जाके उसके सेट पर यहाँ पे हमला कर देते हैं। दूसरा कहते हाँ भाई मैं भी यही सोचा था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन चलेगा भाई हमला करेंगे। सारी ऑल्डर का दिया भाई मैं अपने बंदों को भेजने को तैयार हूँ, वो कहता भाई मैं भी भेजने को तैयार हूँ। लीडर से पूछते भाई लीडर आप बता, लीडर का नाम यहाँ पे डुआन है, तो डुआन यहाँ पे कहता वेल तो हमला करने के बारे में मैं भी यहाँ पे सोच रहा था, देखो भाई उंगली तो उसने हमें भी कर दिया, हमने अपने एक बंदे को भेजा ना चेन को, तो चेन को उसने मार डाला, तो कोई बात नहीं उसके बाद हम भी यहाँ पे लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्या ना मेरा लेवल अप होने वाला है और बहुत जल्दी मैं सॉल फॉर्मेशन स्टेज पर चल जाऊँगा, जो कि नानसे सॉल के भी ऊपर यहाँ पर आता है, हाँ वहाँ पर चल जाऊँगा, एंड देन उसके बाद से भाई हमला करेंगे ना, तब तो भाई चल जाऊँगा ना, तब चुटकी भर का खेला रहेगा। जो सुनते एल्डर लोग को विश्वास नहीं होता, कहते क्यों आप बात करो सच्ची में है मतलब, अब वाकई में चल जाओगे ना, कॉन्फिडेंस होना उतने एक दस में 90% कॉन्फिडेंस हूँ, मैं बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था, और लगभग 30 साल के अंदर मैं चल जाऊँगा, यानी उनके पास खाली 30 साल का टाइम बचे, उसके बाद से हम लोग उनको बर्बाद कर देंगे पूरा। ये लोग भी कहते यस लीडर की जय हो, लीडर की जय हो, तो उसी यहाँ पे ग्रेट हो भाई, बस रुक जाओ 30 साल, उसके बाद से भाई हम उनके सारे बंदों को मार डालेंगे। ये भी कहते यस भाई 30 साल उनके पास टाइम है, जितना भी ना मजे उनको करने दो, 30 साल बाद हम उनको ख़त्म कर देंगे, और फिर चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म, तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।